हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको सुनाऊंगा मेंढक और बैल की कहानी। बहुत पुरानी बात है, किसी जंगल में एक तालाब था जिसमें ढेर सारे मेंढक रहते थे। उन्हीं में एक मेंढक अपने 3 बच्चों के साथ रहता था। वो सभी तालाब में ही रहते और खाते पीते थे। उस मेंढक की सेहत अच्छी खासी हो चुकी थी और वो उस तालाब में सबसे बड़ा मेंढक बन चुका था। उसके बच्चे उसे देखकर काफ़ी खुश होते थे। उसके बच्चों को लगता था कि उनके पिता ही दुनिया में सबसे बड़े और बलवान हैं। मेंढक भी अपने बच्चों को अपने बारे में झूठी कहानियां सुनाता और उनके सामने शक्तिशाली होने का दिखावा करता था। उस मेंढक को अपने शारीरिक कद काठी पर बहुत घमंड था। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन मेंढक के बच्चे खेलते खेलते तालाब से बाहर चले गए। वो पास के एक गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने एक बैल को देखा और उसे देखते ही उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने कभी इतना बड़ा जानवर नहीं देखा था। वो बैल को देखकर डर गए और बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। वो बैल को देखे जा रहे थे और बैल मजे से घास खा रहा था। घास खाते खाते बैल ने जोर से हुंकार लगाई। बस फिर क्या था, मेंढक के तीनों बच्चे डर गए। वह डर के मारे भागकर तालाब में अपने पिता के पास आ गए। पिता ने उनके डर का कारण पूछा। उन तीनों ने पिता को बताया कि उन्होंने उनसे भी विशाल और ताकतवर जीव को देखा है। उन्हें लगता था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली जीव है। यह सुनते ही मेंढक के अहंकार को ठेस पहुँची। उसने एक लंबी सांस भरकर खुद को फुला लिया और कहा, क्या वो उससे भी बड़ा अजीब था? उसके बच्चों ने कहा, हाँ वो तो आपसे भी बहुत बड़ा अजीब था। मेंढक को गुस्सा आ गया। उसने और ज्यादा सांस भरकर खुद को फुलाया और पूछा, क्या अब भी वो जीव बड़ा था? बच्चों ने कहा, ये तो कुछ भी नहीं, वो आपसे कई गुना बड़ा था। मेंढक से यह सुना नहीं गया। वह सांस फुला फुला कर खुद को गुब्बारे की तरह फुलाता चला गया। फिर एक वक्त आया जब उसका शरीर पूरी तरह फूल गया और वो फट गया और अहंकार के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने से खुद का ही नुकसान होता है। बाय बच्चों। हेलो प्यारे बच्चों।